हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे को नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में जानेंगे कि आप अपने किसी भी इंजीनियरिंग सारे डिवाइस में फ्रेंड्स आपको अपने कैसे ऑटो स्क्रीन और प्रॉब्लम फ्रेंड्स आपको कैसे सॉल्व करना है। तो गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो गाइस, यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको अपना ऑटो स्क्रीन और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यहाँ पर आपको सेटिंग ओपन करना है। सेटिंग ओपन करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है इंटरफेस में डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस। तो आपको यहाँ पे क्लिक करके और गाइस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, आपको यहाँ पे देखने को मिलता है स्क्रीन स्क्रीन टाइम आउट। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपका यहाँ पे स्क्रीन टाइम आउट आ चुका है। तो फ्रेंड्स मैं आपको अब बताता हूँ कि आपके फ़ोन में ऑटो स्क्रीन और प्रॉब्लम आप कैसे आती है और फ्रेंड्स आप कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स आप मान लीजिए आप गलती से 30 सेकंड में अपने फ़ोन को सेट करके स्क्रीन टाइम आउट को ओके पे क्लिक करते हैं तो फ्रेंड्स आपका 30 सेकंड के बाद आपका जो फ़ोन है बंद हो जाता है। तो फ्रेंड्स आपको करने का आपको दोबारा स्क्रीन टाइम आउट पर चेंज करने सेट क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे 30 मिनट पर क्लिक करना है, आधे घंटे फ्रेंड्स मान लो। और यहाँ पर आपको ओके पे क्लिक करते हैं तो फ्रेंड्स आपको आधे घंटे बाद जो आपका फ़ोन आपका स्क्रीन ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ से फ्रेंड्स आपका ऑटो स्क्रीन ऑफ प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। तो मैं मिलता हूँ ऐसी वीडियो में। बाय बाय गाइस।